सुल्तानपुर के जिला महिला चिकित्सालय की ओटी में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। सुल्तानपुर में लंबा कोतवाली के अवसानपुर में एक ही गांव के कई घरों में चोरी हो गई। चोर मौके से लाखों रुपए गहने और नकदी ले गए। सुल्तानपुर में धमौर थाना क्षेत्र के लोहार पश्चिम गांव में कुएं में डूबकर एक लड़की की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुल्तानपुर में गोसाईगंज थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव में 10 साल पहले हुए रिटायर्ड आरपीएफ जवान की हत्या के मामले में कोर्ट ने 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है। अमेठी में थाना जायज पुलिस ने गांजा बेचते हुए कार सवार संगीता और विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों तस्करों के पास से भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया है। अमेठी में थाना शिवरतनगंज पुलिस ने चोरी की योजना बनाते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने त्रिभुवन वर्मा, जगदम्बा वर्मा, राजेश कुमार पांडे, संतोष कुमार और रिंकू को जेल भेज दिया है। बहराइच में मिहींपुरवा पुलिस ने रईस नाम के चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रईस के पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। लखीमपुर खीरी के धौरहरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें सुपारी किलर कमाल के पैर में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखीमपुर खीरी के थाना गोला गोकर्णनाथ में नशे का कारोबार जमकर फल फूल रहा है, जिसमें आदमियों के साथ साथ औरतें भी शामिल हैं। बाराबंकी में नगर कोतवाली के सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पीछे झाड़ियों में टाइम बम बरामद किए गए, इसके बाद से बाराबंकी में दहशत का माहौल है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।